हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल सोना सिंह। अभी हम मतलब नहा धो के रेडी हो चुके हैं छपरा जाने के लिए, और कल है शिवरात्रि तो इसलिए नहाना जरूरी था, नहाए खाए होता है उसके लिए। बाकी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि विदाई में मेरे को क्या क्या मिला है, क्योंकि अब मतलब सब कुछ मिल गया है, मतलब विदाई का सामान। अब जब भी हम जाएँ तो दिखाते हैं आपको। ओपन करके हम नहीं दिखाएंगे, बिकॉज सही हारना मेरे को ही पड़ेगा। तो ये वाला साड़ी सासुमा के लिए, मम्मी के लिए मिला है, और ये वाला साड़ी मेरे को मिला है। हम जब अपने घर ससुराल चले जाएंगे तब हम वहाँ पे जाके ओपन करके दिखाएंगे। बाकी एक ये मिठाई का दौरा जो होता है वो मिला है, और हम ये दिखा इसलिए रहे क्योंकि हम उसमें से एक अभी निकाल के खाने वाले हैं, इसलिए अभी दिखा दें, क्योंकि खाते खाते कौन ठीक है मेरा, हम सभी खा रहे हैं, तो इसलिए सोचे कि पहले दिखा देते हैं ये मिला है, उसके बाद में फिर हम अपना खाना स्टार्ट करेंगे। बाकी पैकिंग वगैरह हम कर रहे हैं छपरा जाने के लिए, फिर उसके बाद 2-4 दिन में निकल जाएंगे उधर से भी नया गाँव, उसके बाद देखते हैं हमारे पति जहाँ बुलाएं, जहाँ दौड़ाएं वहाँ वहाँ दौड़ेंगे टक टक टक। चलिए मिलते तो हैं आपसे इतना नेक्स्ट सब टाइम कुछ फिर। होने के बाद में हम गए थे नए वाले घर पे, मतलब प्रणाम करके निकलने के लिए कि भाभी से, दीदी लोग से और बड़ी मम्मी लोग से मिल के फिर निकलते हैं। तो फिर जैसा कि लेडी लोग का आदत आदत नहीं कह सकते हैं, मतलब होता है कि नहीं जाने दिया जाता है खाली पाँव सोना पाँव। तो वो लोग देखा लोग तो फिर बैठा के दीदी पाँव भरने लगी कि नहीं खाली पाँव नहीं जाते। और उसके बाद में खोइचा ये सब मिला, भाभी उधर खाना बना रहे थे और इधर हमें को जाना था। वैसे नाश्ता ये सब बन गया था, अभी लंच प्रिपेयर हो रहा था उस साइड में। बाकी इस साइड में दीदी पाँव भर रही थी, ये दीदी है। और किसी का कमेंट आया था कि रियल सासुमा कौन है, नहीं भाभी की। तो इस वीडियो में जो अभी खोइछा जो बड़ी मम्मी दे रही है, इनको माई बोलते हैं हम लोग, तो यही उनकी सासुमा है, सबसे बड़ी मम्मी यही है मेरी, इन्हीं की बहू है जो नई वाली दुल्हन है। तो अभी खोइछा मिल रहा था, खोइछा ये सब का रसम हो गया, उसके बाद में फिर निकल गए लोग। और निकले तो ऐसा था कि आने वाले थे हम तीनों जने, जैसा कि हम तीनों बहन साथ में रहते हैं, शिवांगी, खुशी और हम, लेकिन ये शिवांगी जो है शिवांगी नहीं आई। शिवांगी का कुछ रीजन था शायद, वो इस वजह से नहीं आई, लेकिन बड़े पापा थे साथ में, इस वजह से आपको ये वाला वीडियो वॉइस ओवर का मिल रहा है। और एक होता है ना, मेरे को लगा हम सियाने हो गए, लेकिन एक अभी हम सियाने नहीं हुए, मेरे को आज फिर से महसूस करा दिया गया जबरदस्ती पैसा थमा के। उसके बाद मैं निकल गए थे, तो ये सीन था हमारे गांव का, हमारे गांव का नहीं मतलब बगल के गांव का, रामपुर प्रतापपुर साइड का, जो भी लोग उधर से बिलोंग करते हैं कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। बाकी ये रामपुर प्रतापपुर का सीन था, जो भी था उधर से हम लोग गुजर रहे थे, ये स्टेशन के बाद में पड़ता है और स्टेशन के पहले हमारा गाँव पड़ता है। तो ये रामपुर प्रतापपुर वाला मार्केट था, क्योंकि इस साइड में भी पहले मेरे पापा पोस्टेड रह चुके हैं, तो ये सब गांव का भी अच्छे से जानकारी है हम लोग को। और उसके बाद में आगे में बड़े पापा थे, इधर भैया था गाड़ी चला रहा था, और इस साइड में हम थे। और ये सब जो सीन है अब जो आप देख रहे हैं, ये वाला सीन टोटल सीन है जो गरखा का है। गरखा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ही जाम था, तो इस वजह से सोचे चलो थोड़ा बहुत यही सूट कर लेते हैं, बाकी हम क्या ही कर सकते थे। तो ये सब गरखा साइड का सीन है, उधर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था इस वजह से, और इधर बहन और हम चुपचाप होके बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे लोग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े पापा बोलते, लेकिन एक होता है ना सबके सामने इंसान ओपन नहीं हो पाता, तो वही हाल है हम लोग का। तो हम लोग इस साइड में बस हाई फाई कर रहे थे ऐसे कैमरा ऑन करके, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे हम लोग, क्योंकि अच्छा हम लोग को खुद ही नहीं लगता है सबके सामने बोलना, पता नहीं कब आएगा ये कॉन्फिडेंस। खैर ये कॉन्फिडेंस अभी ज़रूरी भी नहीं है, जितना बोल पाते हैं उतना ही अधिक हम बोलते हैं, मेरे को पता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। बाकी उसके बाद हम लोग पहुँचे थे, नहीं ये गरखा के थोड़ा सा आगे का सीन, थोड़ा सा ही जस्ट आगे का, लेकिन अभी हम लोग तुरंत पहुंचने वाले थे छपड़ा, छपड़ा के करीब ही हम लोग आ चुके थे। बाकी बहुत पहले, अभी से 5 साल पहले, या फिर हमको याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हम कब गए थे डोरीगंज वाले रूट से। फिर ऐसे होता ही है कि ट्रैवल करते करते इंसान थक जाता है, और थक थक के फिर थोड़ा बहुत नींद आ रहा था, बाल मेरा उड़ रहा था, इसलिए हम सिर ढक लिए थे और सिर ढक के जा रहे थे ताकि बाल हमारा नहीं उड़े। उड़ उड़ के फेस पे आ रहा था, तो मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा था और थक गए थे एकदम, लग रहा था अब सोएं अब सोएं अब सोएं, लेकिन नहीं सो रहे थे कि नींद हमारा अधूरा रह जाता, नींद अधूरा रह जाता तो मन चिड़चिड़ रहता, इस वजह से हम सो भी नहीं रहे थे। बाकी बड़े पापा का काम था कुछ कोर्ट में, तो ये कौन सा निवाजी टोला, शायद निवाजी टोला का सीन ये वाला है, जो मंदिर है आप लोग देखे होंगे निवाजी टोला साइड से जब भी लोग जाते हैं।
तो उतने देर से आपको वो ही सफर वाला इसलिए मिल रहा था क्योंकि साथ में थे बड़े पापा, हमारा दम घुट रहा था। अब बोले बड़े पापा थे इसलिए नहीं दम घुट रहा था, मतलब ऐसा था कि बड़े पापा के सामने बोलने में अनकंफर्टेबल लग रहा था। बाकी बड़े पापा को कचहरी में कुछ काम था तो बड़े पापा भी कचहरी यहाँ आया तो उतर गए। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के तरफ, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। मुश्किल से अब 10 मिनट या 5 मिनट लगेगा हम लोग के घर पहुँचने में। बाकी इस बार हम सोचे हैं सब जगह का थोड़ा बहुत होम टूर हम दे ही दिए हैं, लेकिन छपड़ा वाले घर का होम टूर नहीं दिए, तो इस बार वहाँ का भी होम टूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले पहुँच जाते हैं, फिर मम्मी से मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग शायद होम टूर का हो। बाकी एक ढाला आ चुका है, नेहरू चौक ढाला जो है, नेहरू चौक ढाला पे अभी पहुंचे लोग, फिर वहां से थोड़ा आगे है। अब एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना पता तो मेरे को भी नहीं है, मेरे को साहेबगंज साइड का ज्यादा जानकारी था। इस साइड में अभी हाल फिलहाल में ही शिफ्ट हुए हैं लोग, तो इस साइड का रूट मेरे को ज्यादा नहीं पता। बाकी बहुत ज्यादा ही डूब डाब चल रहा है गाड़ी में, डूब डाब बहुत है। बाकी चलते हैं घर। आ गए हम लोग घर, घर आ गए लोग, आ गए आ गए। भैया है, भैया आ रहे पीछे से सामान लेके, हम लोग जा रहे हैं सोने, बहुत नींद आ रहा था रास्ते से ही। बाकी हम आ चुके हैं अपने छत पे क्योंकि एक ऊपर में भी रूम है, तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम आए घर से तो जो कपड़ा हम धो के मतलब नहाने के बाद जो धोए थे वो सब इधर डाले और कुछ उस साइड में डाला हुआ है, इस साइड में हम बैठे हुए हैं। बाकी अभी जस्ट अभी मतलब क्या है ना कि सर्दी की वजह से थोड़ा मन चिड़चिड़ हो जाता है और मेरा सर्दी हो गया है, मतलब अजीब सा ही लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि होम टूर कराएं बट हो नहीं पा रहा है। मे बी कि नेक्स्ट व्लॉग आपको होम टूर का मिलेगा, बट चलिए हम छत का सीन थोड़ा आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ आके हम स्लीपर चेंज किए, घर पे थे तो बहन पाँव भर दी थी, कोलकाता वाला रंग था इसलिए बहुत बढ़िया रंग आया है। लेकिन चलिए थोड़ा बहुत हम अपने छत पर का सीन आपको दिखा देते हैं। ये सब कुछ पौधा है लगा हुआ, इस साइड का कुछ ऐसा सीन है, ये हम लोग का कार है, उस साइड में गाय भैंस ये लोग हैं। बाकी यहाँ पे जस्ट हम लोग का द्वार नहीं है बट ऐसे गेट है। इस साइड में मम्मी कुछ तुलसी का पौधा लगाई है जिसमें पूजा पाठ होता है। इधर में है मनी प्लांट है जो कि ऊपर की तरफ लग जाने के लिए इसमें धागा या रस्सी लगाया हुआ है। इस साइड में कपड़ा डाले हैं घर से लाके, एक नलका है इस साइड में जो कि ठंडी में ज़्यादा यूज होता है, कपड़ा मम्मी धूप में धो के डाल देती है, ठंडी वैसे ज़्यादा नहीं लगता है। इस साइड में एक बेसिन है और यहाँ पे सेविंग किट रखा हुआ है जिससे पापा सेविंग करते हैं। और भी पूरा घर हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में या फिर एक आध दिन में आपको दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा घर काफ़ी सटा सटा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, बट बहुत घर सटा सटा है तो छत पे व्लॉग बनाने में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं से कोई झांक नहीं रहा हो, मेरे को थोड़ा शर्म आता ना इसलिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें शायद हम होम टूर देंगे आपको, और आज हम कुछ खास करने वाले यहाँ पे वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।